इस साल की शुरुआत में मैंने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए थे, एज एवरीबडी डज, बट उनमें से एक भी आई गेस फुलफिल नहीं हो पाया, वो हेल्थ एंड फिटनेस, स्लीप स्केड्यूल, वर्किंग स्केड्यूल, फक यू, गो आउट मोर, फक यू, व्लॉग, राइट एंड डू मोर कंसिस्टेंट सेल्फ पोर्ट्रेट्स, 2 दिन पहले सेल्फ पोर्ट्रेट किया था, उससे 6 महीने पहले कुछ नहीं किया, गुड, राइट नथिंग व्हाट्सएवर, ब्लॉग नथिंग, रीड मोर बुक्स, ओके वी आर डन विद रेजोल्यूशंस। सो बेसिकली मैंने बहुत ट्राई किया रेजोल्यूशंस करने का, ट्राई करने का, इनफैक्ट मैंने शुरू के 5 दिन किया था, इफ़ यू रिमेंबर मैंने 2 ब्लॉग्स डाले थे आई गेस, लेट मी चेक, मुझे याद भी नहीं कि मैंने ब्लॉग्स डाले थे या नहीं डाले थे, लेट मी जस्ट चेक इट, अच्छा आई रिमेंबर मैंने व्लॉग शूट किए थे, मैंने न्यू ईयर पे व्लॉग शूट किए थे, आई कैन शो यू सम टाइम लेटर बिकॉज अभी डोंट नो कहाँ पे हैं फुटेजेस, बट मैंने श्योरली शूट किए थे बिकॉज आई मेड दैट रेजोल्यूशन, मैंने शुरू के 2 दिन शूट किया था, आई हैव दैट कॉन्टेंट विद मी, बट एज यूजल एडिटिंग में टाइम लगा एंड आई वॉज ऑक्यूपाइड विद द वेडिंग स्टफ, तो वो चीज़ आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई, सो दैट्स द रीज़न वाई वी आर हेयर अगेन, to fulfill our resolutions after already 4 months are gone. कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, नया दिन है, नई शुरुआत है, इनफैक्ट नई रात थी कल जब मैंने ये डिसाइड किया. Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. My name is Ishan and you're watching Taakat Hakaar. Actually, I'm not even sure if you guys are watching because काफ़ी टाइम से I've not uploaded anything on this channel, especially vlogs. काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो रहा है कि मैंने कुछ भी तमीज़ का अपलोड किया हो. सो खैर बहुत बार कोशिश मैंने ज़रूर की है बट हर बार एक खूबसूरत नाकामयाबी हासिल हुई है. सो कोशिश करेंगे इस बार वो ना हो, और हुई तो फिर एक कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की. बैक गाइस, और अभी बज चुके हैं 5:30 शाम के, सुबह के नहीं, और मुझे सुबह तक याद था, मुझे कल रात तक 3:30 बजे तक याद था कि मुझे सुबह उठ के व्लॉग करना है, मुझे सुबह याद था कि मुझे व्लॉग करना है जब मैं उठा, बट फिर मैं सो गया और अभी मैं उठा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ. कोई नहीं, पहला व्लॉग है, अच्छे से स्टार्ट करना था एंड नींद से अच्छा क्या ही होता है, ठीक है पहला व्लॉग है यार, छोड़ो यार, ठीक है कोई नहीं. तो अभी अपने को बहुत सारा काम करना है, अभी जो 5:30 बजे से लेके रात तक के 2.5 दिन बजे तक करना है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो शूट करने हैं, कुछ वीडियोस हैं जो एडिट करनी है, हालांकि वो मैं बोलता रहता हूँ मेरी टू डू लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, बट अच्छा लगता है वो, एक भी काम टिक हो जाता है तो बढ़िया लगता है, तो वो करना है. और भाई पहले तो नींद से उठना है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा मुँह धो के फ्रेश होके, तो उससे कुछ लोगों से मिलना भी था बट थोड़ा वीकनेस था जिसकी वजह से हम सो गए थे, और अभी उठे तो रियलाइज हुआ प्लान्स चेंज हो गए हैं, तो सोचा था वो भी ब्लॉग में लाएंगे, क्योंकि तो अभी बढ़िया सी लाइट जला ली है क्योंकि प्रोडक्ट शूट स्टार्ट करने वाले हैं. और मेन दिक्कत मेरे साथ प्रोडक्ट शूट में पता क्या आती है, आइडिएशन. हाँ मतलब जब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स होना बहुत सारे, तो एक टाइम बाद आप रिपीट तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली क्लाइंट को पता चल जाएगा और पैसा नहीं देगा, बट मेन है कि भाई आप रिपीट छोड़ो, आपको कुछ नया आइडिएशन लाना पड़ता है हर बार हर प्रोडक्ट के लिए, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब आप सेम प्रोडक्ट जैसी 3 कंपनियों के लिए काम कर रहे हो, कंपनियों के लिए काम कर रहे हो, और उनको खुद भी नहीं पता है कि उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग चल रही होती है वो मैं ही संभाल रहा हूँ टेक्निकली एक तरह से, क्योंकि सबका प्रोडक्ट शूट मैं कर रहा हूँ और तीनों आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो इसलिए भी आइडिएशन की कमी हो जाती है बिकॉज सिमिलर कंपनीज हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अलग अलग आइडियाज़ हर टाइम पे लेके आओ, बट भाई पैसा उसी का दे रहे हैं तो देखते हैं कुछ निकल के आ सकता है, तो आपको भी दिखाते हैं कुछ बढ़िया शूट निकल के आ क्या सकता है, भाई पैसा दे रही है निकालना ही है, तो चलिए निकालते हैं कुछ बढ़िया सा. सो बेसिकली यार वो वाला देखो आइडिया समझ में इतना आया नहीं, तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ और ट्राई किया जाए, फिर हमको समझ में वो भी नहीं आया क्या किया जाए, तो फिर हम पिंटरेस्ट की तरफ बढ़े, और पिंटरेस्ट ने हमें कुछ ऐसा कुछ दिखाया,
थोड़ा सही लगा मेरे को, बट हाँ ऑब्वियसली हम ये सारे प्रॉप्स नहीं है मेरे पास एग्जैक्टली तो हम कुछ सिमिलर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कुछ ये स्टोन्स हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जब से इंस्टाग्राम ने रील वगैरह निकाल दिया ना, वर्टिकल वीडियोज़ वाला जितने भी फॉर्मेट्स हैं, चाहे स्नैपचैट पे हो, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि आपको दो तरह के कंटेंट बनाने पड़ते हैं अगर आप एक यूट्यूब के लिए बना रहे हो और एक वर्टिकल वीडियोज़ बना रहे हो। शॉट आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था मुझे एक्चुअली। पहले मैंने शेडोज़ डालने की कोशिश की बट उससे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। देन आई रिमूव द शेडो और फिर मैंने डायरेक्ट लाइट मारी एंड लुक प्रीटी गुड। तो भाई अपन ने एक और प्रोडक्ट शूट कर लिया है, एक और पेंडेंट काम शूट कर चुके हैं ऑलरेडी हम, और जैसा कि भी आपने BTS में देख लिया होगा फाइनल इमेजेस कुछ देर में आप अपनी स्क्रीन पे देख लोगे यार। तो आई थिंक ज़्यादा प्लान नहीं करते हैं इस ब्लॉग को, मतलब फिर से वही प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाला ब्लॉग किया है बट ठीक है यार, अपना काम फोटोग्राफी है सो डेली लाइफ में अपन मेनली वही करते हैं यार। पता है बेसिकली यार तुम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स। बिकॉज हाँ से जब मैं 2.5 साल पहले वाले ब्लॉग्स देखता हूँ लॉकडाउन वाले या उस टाइम वाले जब मैं बहुत एक्टिव था इन चीज़ों में, तो भाई बढ़िया लगता है, मज़ा आता है एकदम देख के कि यार क्या ज़िंदगी थी वो, मतलब नॉट द कोविड पार्ट बट द लॉकडाउन पार्ट, और वो सो जो टाइम था बेसिकली कितना प्रोडक्टिव था और कितना कुछ किया था उस टाइम, तो वो स्पेसिफिकली बहुत याद आता है। तो हाँ इसलिए भी एक बहुत टाइम से था कि मतलब करना है और सच बताऊँ तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है जीवन में, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या हुआ है। ये नई चीज़ जो जगह देख रहे हो इसका भी मैं टूर दूंगा, थोड़ी सी चीज़ें और सेटलअप करनी है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का स्टूडियो टूर हमारा। सो फॉर नाउ दैट इज़ इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अगर हुआ तो, नहीं तो फिर बढ़िया इंजॉय करो जीवन, मज़े करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, तो मतलब